हेलो, वेलकम टू बी फैक्ट चैनल। 2008 में डिमिट्री को क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना होता है, जिसके लिए उसमें एक उसको एक फॉर्म मिलता है जिस पर लिखा होता है एक बैंक का, उस पर क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट 13% है। लेकिन उसके साथ एक बुकलेट भी आया था जिसके अंदर लिखा होता है टोटल इंटरेस्ट 45% है। बाद में ये पढ़कर डिमिट्री को बहुत गुस्सा आता है बैंक पर। उसने क्या करता है कि वो फॉर्म को लेकर चेंज करके 45% को इंटरेस्ट को निकालकर 0% करता है। उसके बाद में एक कंडीशन भी मेंशन करती है, अगर क्रेडिट बैंक ने क्रेडिट कार्ड उसका बंद करती है तो उसको 1.5 करोड़ उसके बदले में देगी। उसके बाद में यही फेक फॉर्म जाकर उन्हें बैंक में सबमिट करता है। बैंक वालों ने बिना पढ़े ही उसे लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों ही इशू कर देते हैं। उसके बाद में वो लोन तो बराबर ऑन टाइम पे करता है उसके, लेकिन क्रेडिट कार्ड में पैसे ही नहीं डालता, जिसके लिए बैंक वालों ने उसके ऊपर केस कर दिया कोर्ट में। कोर्ट में तो डिमिट्री जीत जाता है उसके फेक फॉर्म के हिसाब से। उसके बाद में बिना सोचे समझे बैंक वालों ने उसका क्रेडिट कार्ड भी कैंसिल कर दिया। बाद में डिमिट्री ने वापस केस करता है बैंक पर, क्या एज पर कंडीशन के हिसाब से मेरे को 1.5 करोड़ बैंक वाले देंगे। उसके बाद में बैंक वालों ने मजबूरन को इसको 1.5 करोड़ उसके बदले में देना पड़ेगा। बाद में उसको बैंक मैनेजर भी सोचता होगा कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम।